उधर धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति सबेरू विधायक अनुप सिंह ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में अनुप सिंह ने कहा कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है, वहीं बीजेपी वाले जनता को ठगने का काम करते हैं। अनुप सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमर ने। सिंह मेरे साथ है। अनुप जी, चुनाव है, माहौल आप देख ही रहे हैं किस तरह का है, आप दिन रात घूम भी रहे होंगे, क्या स्थिति है कांग्रेस की धनबाद में? धनबाद में ही नहीं, मैं बोलूंगा पूरे देश में कांग्रेस और महागठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। और उद्योगों को एस्टैब्लिशमेंट करने की कोई बात कर ही नहीं कर रहा है, उद्योगों को एक्सपेंशन करने की बात कोई नहीं कर रहा है, जो उद्योग यहाँ पे रुके हुए उन्हें संभालने की बात कोई नहीं कर रहा है। आज आप धनबाद में ले लें, कोल इंडिया की स्थिति प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ चुकी है, पेंशनधारी को जो 10 लाख 20 लाख पेंशनधारी है उनको पेंशन नहीं मिलने जा रहा है, वो बंद होने के कगार पर है। बोकारो स्टील प्लांट की बात कर लें तो आप 55,000 एम्प्लॉय थे, 9,000 बच गए, आने वाले 2 साल में 5,000 से नीचे हो जाएंगे। उसको आपने सर्वे करा के मित्तल एंड मित्तल कंपनी को देने का निर्णय कर लिए हैं। तो आखिर जो कांग्रेस की सोच थी जिसमें गवर्नमेंटाइजेशन का बढ़ावा मिलने से एक सिविलाइजेशन का ग्रोथ होता था, ये वो कोल इंडिया, ये वो बोकारो स्टील प्लांट, ये वो डीवीसी नहीं था और ना ये वो धनबाद था जो हम 10 साल पहले। फिर भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार 400 पार। अब अपने मियां मुट्ठू जो भी कर ले हमें क्या बोलना, अब मैं भी बोल दूं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो कुछ भी कहेंगे कि राहुल गांधी जी देश को उस उद्देश्य से आगे बढ़ाना चाहते हैं जिस उद्देश्य से इस देश का निर्माण हुआ था। आज मोदी जी ओबीसी की बात करने लगे। शुक्रिया, हमसे बात करने। धन्यवाद। धनबाद से कैमरामैन अभय के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।